छतरपुर में ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें उड़ीसा की एक 12 साल की लड़की को घरेलू काम के लिए छतरपुर जिले में बुलाया गया और फिर 80,000 रुपये में उसका सौदा तय कर उसकी शादी अधेड़ उम्र से करा दी गई। लड़की को जब ये मामला समझ में आया तो वह रात 12 बजे अपने ससुराल से भाग गई और छतरपुर में चाइल्ड लाइन की शरण में पहुँच गई। अब इस मामले में कानूनी सुनवाई शुरू हो गई है। मामला बिजावर क्षेत्र के गाँव बेरखेरी में रहने वाले रमेश पाठक और प्रियलता के एक परिचित नोगांव निवासी कुलदीप नायक का विवाह नहीं हो रहा था। रमेश पाठक की पत्नी प्रियलता की परिचित दीपाली प्रधान और बसंती प्रधान जो कि मूलतः उड़ीसा की रहने वाली है, उन्होंने इस विवाह के लिए एक चाल चली और महिलाओं ने अपने एक रिश्ते की भांजी जिसकी उम्र 12 साल है उसे उड़ीसा से घरेलू काम के लिए बेरखेरी बुलाया और 10 अप्रैल को नोगांव निवासी कुलदीप नायक के साथ जटाशंकर में दोनों की शादी करा दी। वहीं एएसपी विक्रम सिंह ने कहा तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अभी भी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। जी सर, किस तरह का सर मामला आया था यहाँ पर? सर एक तस्करी का मामला है, बच्ची की 12 साल की बच्ची है और उसका इन लोगों ने जबरदस्ती भेज दिया है शादी कर लिया। कैसे फिर बच्ची छूटी, क्या पूरा मामला था, किस तरह से? अपने जहाँ उसकी शादी हुई थी वहाँ से भाग के आई और जैसे पे छतरपुर आ गई तो रो रही थी, चाइल्ड लाइन को पता चला, चाइल्ड लाइन ने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया क्योंकि वो उड़ीसा की थी तो भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उस दिन समझ में नहीं आने के बाद उसको हम लोगों ने वो एससी वन स्टॉप सेंटर में संरक्षित कर दिया। इसके बाद मैडम बुलाया, थोड़ा सा उड़िया को जानकार थे तो वो अपनी बात रहे। ठीक, हाँ सर, अभी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक ग्रुप पकड़ाया है जिसमें 4 आरोपी थे, 3 को हमने राउंड अप कर लिया है, एक को बहुत जल्दी कर लेंगे। हमारे पास कुछ दिन पहले CWC रन सोर्स इन्फॉर्मेशन आया कि एक पीड़िता जो उड़ीसा की है उसके रिलेशन जो रिलेटिव लगेंगे कहने को दूर के, उसको काम के लिए लेके आए थे छतरपुर और लेटर ऑन उसका फोर्सफुली किसी से शादी कराया उन्होंने, इस बात का बच्ची ने रजिस्टर किया और ये इन्फॉर्मेशन हम तक आई। और SP सर चूँकि मैं ट्रैफिकिंग का था तो SP सर से बहुत कंप्लीट थे, इमीडिएट उन्होंने इसमें राउंड अप कराया और FIR कराया और आज हमने आरोपियों को जेल में पेश किया। सर किस तरीके से पुलिस ने इसमें सफलता हाथ, बच्ची को किस बहाने से सर बुलाया गया था यहाँ? बच्ची को जैसे आप जानते हैं बाहर के स्टेट से काम के लिए बुलाया गया कि आपको हम चलते वहाँ काम दिला देंगे और आपका लिविंग कंडीशन भी बढ़ेगा, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड जो है बहुत पुअर फैमिली से है बच्चे, और जब यहाँ आई तो उसको दिखाया, पता लगा कि उसको फोर्सफुली उसकी बिना इच्छा के किसी अन्य के साथ उसकी शादी कराई जा रही है और उसको जटाशंकर भी लेके गए थे शादी के लिए और ठीक है, फिर बच्ची उनके चंगुल से निकल पाई और जब वो छतरपुर आई तो उसने फिर इन्फॉर्मेशन हमारे पास और CWC सभी के पास दिया। फिर उसमें जब मैं स्टेटमेंट लिया तो आपका डिटेल आया तो मैं ट्रैफिकिंग का मैटर था तो मैं 370 और अन्य गंभीर अपराधों के इसकी हमने FIR। अब सर बच्ची का क्या कहाँ रखा हुआ है, उसके माँ बाप के पास छोड़ पहुँचा? उसके पेरेंट्स भी यही है और उसका स्टेटमेंट वगैरह होगा, बच्ची जैसा बताएगी इस अनुसार उसमें विधि समाप्त।